हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी साजिद तार साहब ने आज ज्वाइन किया है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। और सर, बड़ा हंगामा है इमरान खान साहब के इंटरव्यू का जो उन्होंने कामरान खान को दिया है। क्या कहेंगे अब? उनका कहना है कि जी आर्मी चीफ जो है वो यही रहने चाहिए अगले इलेक्शन तक। देखिए, उन्होंने वाकई इस अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो, एक तो मैं हैरान था कि उन्होंने कहा जी मुझे इंटरव्यू की कोई जल्दी नहीं है, इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि मैं सैलाब पर बैठ के और इलेक्शन पे करंट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो जब तक नई गवर्नमेंट ना आए वो नहीं अपॉइंट होना चाहिए। खान साहब, दर हकीकत आपने देखा, खान साहब जो जमहूरी इकदार है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उन पर बिलीव नहीं करते। खास आप कहते हैं कि आर्मी चीफ भी मैं ही बनाऊं, चीफ जज भी मैं ही बनाऊं, चीफ इलेक्शन कमीशन मैं बनाऊं, और सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल उस्मान बुजदार की तरह के हों, उन सब का रिमोट कंट्रोल है वो खास साहब के हाथ में, और खास साहब बनी गाला से बैठ के सबको अपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो भेजें रिमोट कंट्रोल से, सारा कंट्री चलाएं, बल्कि उनका बस चले वो तो पूरी दुनिया रिमोट कंट्रोल से चलाएं। तो ये हकीकत में खास साहब ऐसे होता नहीं। जो आप जिस तरह कहते हैं ना कि आप आर्मी भी आपके ताबे हो जाए और फिर सिर्फ आपके लिए लोग आए, तो 10,000 आप इनका असल में ना मुगलिया स्टाइल कहते हैं कि 10,000 लोग बनी गाला के सामने रोज इकट्ठे हों और ये झिड़ौके पे आए, वहां से अपना दीदार देकर तो फिर वापस लंच करने चले जाए। तो खास अब ये आप ये मुगलिया शौक अपना जो है ये किसी और चीज पर आजमाएं, इस तरह होने वाला नहीं, इस तरह नहीं होने वाला। बल्कि इसमें मैं आरजू आज आपको दो चीजें बताना चाहूंगा इस इंटरव्यू के साथ साथ। एक नौशाद अली खान साहब हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी उसमें बड़ी धुआंधार चीजें ऐड कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन मेरे ख्याल 6 महीने से साल तक उसका डिसाइड कर लिया गया है। नदीम अंजम साहब अगले चीफ होंगे ये डिसाइड कर लिया गया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ होंगे उसके लिए नाम जो है वो जागरण कर लिए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो एक कुछ और इंकशाफात ऐसे किए हैं जो कि चौंका देने वाले थे, अब सरप्राइज। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो एड देगा और उनके तैयारी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनको शमसी एयरबेस जो उनके पास पहले थी वो भी दे दी जाएगी उन तैयारों के लिए। फिर उन्होंने इंकशाफ किया है कि बाजवा साहब इस टर्म्स के बाद खत्म करने के एक जो डैम्स के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है उसको हेड करेंगे, ये भी उन्होंने इंकशाफ किया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मॉड्यूलर किस्म के जो प्री मेड होम होंगे, जो 5-5 लाख उस पर खर्चा आता है और उसकी एज जो है तकरीबन 90 साल 100 साल तक होती, उन घरों की एक सोसाइटी बनाई जाएगी वहां जहां पर सलाहदान को रखा जाएगा। आखिरी जो इन्होंने इंकशाफ किया नौशाद अली खान साहब ने कि जहांगीर तरीन साहब और हमारे शाह साहब मुल्तान वाले ये मिलकर एक पीटीआई के नया नई पार्टी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जिससे पीटीआई को काफी नुकसान होगा। तो और दूसरा कामरान खान साहब के इंटरव्यू के कई कई नई चीजें आई। लेकिन आरजू, मैं जब से आपसे, मेरे ख्याल में मैं चिश्तियां के जलसे और मुल्तान के जलसे से के बाद आपसे बात नहीं हुई, जो मुझे एतराजात थे हैसियत स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, जिस तरीके से खान साहब ने अब एक फतवे जारी करना शुरू कर दिए हैं कि जो मुझे वोट देना इस्लामी होगा और जो नहीं होगा गैर इस्लामी होगा, और बिलखसूस जो उन्होंने अपने आप को सुहाबा के उस दौर के साथ उन्होंने कहा कि लोग जो होते थे वो जब घर जाते थे तो उनके बच्चे मुसलमान हो चुके होते, तो ये मैं इस पे मैं कंडेम करना चाहूंगा इन चीजों को। मैं यहाँ पे ये भी आरजू आखिरी पॉइंट कि मैं बहसीते स्टूडेंट सियासत में मजहब की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके उसके हक में नहीं। सर, यहाँ तक भी मैंने कहीं पढ़ा था कि खान साहब ने ये भी कहा कि कवर में भी सवाल किए जाएंगे कि इमरान खान को सपोर्ट किया या नहीं किया। वो तो खैर हर लिमिट को क्रॉस कर गए। मुझे हैरत ये है कि यहाँ के जो मुल्ला वगैरह जो हैं, जो हर बात पे भड़क जाते हैं, वो इतना कुछ सुनने के बाद आराम से कैसे बैठे हुए। लेकिन साथ साथ सर, अमेरिका की जो पहले यहाँ पे एम्बेसडर रह चुकी हैं उनसे भी मुलाकातें चल रही हैं, और फवाद चौधरी पहले तो मुकर गए थे फिर मान गए। और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर रियाज साहब हैं वो डेविड लू से जाके मिल रहे हैं और सारा कुछ देख रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कौम, लेकिन ये लोग क्या मदद कर सकते हैं सर? इमरान खान की क्या मदद कर सकते हैं? वो अपनी मदद करने के काबिल नहीं इस वक्त, अमेरिका नहीं चल रहा उनसे। अगर आप आज वॉशिंगटन डीसी आती है एयरपोर्ट पर, तो वहां 6 घंटे की लाइन है, बॉर्डर खुले हैं,
अमेरिका तो खुद अपने एक इंतशार का शिकार है, अमेरिका तो खुद रिफॉर्म रिफॉर्म ना किया गया तो हालात खराब है, उनके बला से कि आप कहा वहां पे कौन है, वो तो दुख का इजहार कर सकेंगे अगर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। और दूसरा उनको बावर करा दिया गया है कि भारत जो है हमारे लिए अच्छा पार्टनर है उस रीजन में अगेंस्ट चाइना, और जब अफगानिस्तान वहां से निकला तो आपकी अहमियत खत्म, जीरो, छुट्टी, उसके बाद आप खत्म, आप जो मर्जी करते रहे। एक सिर्फ अट्रैक्शन बची है जो आपने उनको डिलीवर कर दी है, अगर सीपैक चाइना बनाता तो अमेरिका को तकलीफ थी, आपने वैसे बंद कर दिया, तो यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर। अब लेकिन सर अब फ्लड के बाद क्या फ्यूचर रह गया सीपैक का? कुछ भी नहीं, कुछ अब आपकी कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। सीपैक की वजह से इंपॉर्टेंस थी, अमेरिका आपको देखता था कि भाई ये चाइना जो है वो ग्वादर तक जा रहा है, उनको इतराज आप थे उस पर, आपने वो डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ना आपको मैन्युफैक्चर करते हैं, ना आपको चीज उगाते हैं, आप कर्जों पे इमदाद पे जहां जाते हैं खैरात मांगते फिर रहे हैं। एक फकीर की क्या आदत, क्या जो रिस्पेक्ट होती है वही आपकी रिस्पेक्ट है, उसकी क्या वैल्यू होती है? एक फकीर जो जो सुबह शाम मांगता हो, सुबह उठे मांगना शुरू कर दे, उसकी क्या वैल्यू होगी? वही आपकी वैल्यू, हकीकी आजादी की एक टोपी पहना दी है, बेच रहे हैं टोपियां अपनी वो, हालांकि ये नहीं पता कि हकीकी आजादी जब तक नहीं आएगी जब तक हकीकी मुआशी आजादी नहीं होगी, जब तक आप अपने पांव पे खड़े होंगे आप हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकते, आप फकीर हैं, मांगने वाले हैं। तो सर जिस तरह से सर ईरान से आए टमाटर जाया किए गए, ये कह के कि ईरान से नहीं लेंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को, मतलब ये आम पब्लिक भी ऐसा ही है जैसे गवर्नमेंट है। आरजू अगर जो लोग जिस तरीके से आपका मुल्क आधा मुल्क पानी के नीचे है और आप कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाते हैं वहां पे सारा दिन, आप शहबाज शरीफ के लतीफे बना बना के लोगों को सुनाते हैं, मरियम नवाज के, मैं आज सैल्यूट करूंगा साद रिजवी को, टीएलपी वालों को जिन्होंने अपना एक जलसा करना था और उसके जितना फंड इकट्ठा किया जलसे के लिए उन्होंने सब का सब फ्लड में दे दिया, और ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा इंसान है, इसके दिल के अंदर पत्थर का दिल है, इसके छाती का। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग, 4 करोड़ के लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आप बद्दुआएं ले रहे हैं, आप बद्दुआएं, काश काश ताकि काश कभी आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बना पाते, लैंड ऑफ प्योर बना पाते, जो ख्वाब थे लोगों के, जो जिसपे इलामा इकबाल शेर व शायरी करता रहा है, कायदे आजम करता रहा है, काद अब काश अब काश अब पाकिस्तान को पाकिस्तान बना पाते। लेकिन सर अभी तो बड़ा यू टर्न लिया है खान साहब ने अचानक से, वो बाजवा साहब को जो है वो कह रहे हैं कि इन्हीं को रखें वरना तो पहले न्यूट्रल हैं, जानवर हैं, निकाल दो, क्या क्या किस किस तरह के ट्रेंड चलाए गए ट्विटर पे, एकदम से ये चेंज क्यों आप देख रहे हैं इमरान खान में? चेंज तो इसमें देखे ना, मुसलसल डायलॉग हो रहा है, परवेज खटक कर रहे हैं डायलॉग, परवेज लाई साहब डायलॉग कर रहे हैं, मिंते तरले खुद मिंते तरले कर रहे हैं ये। और देखें जरा कभी आप एक मिनट के लिए सोचें, जो अदारा एक न्यूट्रल होना चाहिए आज उसके खिलाफ हो चुके, वो न्यूट्रल क्यों हो गया? देखें तो वो कोई उन्होंने शायद कोई एक कोई उम्मीद दिखा दी होगी भी, अच्छा यार आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, सैलाब के बाद तुम्हारा कुछ करते हैं तुम्हें कुछ जगह देंगे, तो शायद स्लो डाउन हो रहा। इनका तो लालच तो सिर्फ इक्तदार का है ना, इस्लामाबाद पे कब्जा इनका ऑब्जेक्टिव है, चाहे पाकिस्तान सारा खत्म हो जाए सैलाब में। तो आरजू ये एक नथिंग बट इस एम्बैरसिंग सिचुएशन, बल्कि खान साहब की बात देखें, दहशत गर्दी की कोर्ट में जाते जाते सहाबी को कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ। यार किस खतरनाक की बात, पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चुके हो, सारी दुनिया को पता है। कितना एक इमेच्योर आंसर है कि अगर आपको आपसे बंदा पूछे यार मलक रियाज की जमीन आपने ले ली है, आपने 7 तोले का सोना ले लिया, तो आगे जवाब आता है जी मैं बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। चलो ये तो खैर लोग समझ ही नहीं कि वो कितने खतरनाक है। लेकिन सर साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इतना फ्लड जो है पाकिस्तान में आया हुआ है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा ही गहरा दोस्त एक माना जाता है चाइना, वो इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के। चाइना ने दुकानें बंद कर दी। आरजू आपने अभी एक और खबर इसके साथ में आपको देना चाहता हूँ जी, नील वहां पे वो डैम बना रहे थे, नीलम वैली काम शुरू हो चुका था, वो इंजीनियर वहां पे उनका अमला छोड़ के ताले लगाकर वापस चला गया। उन्होंने कहा ना हमारी जान की है, हमें क्या गारंटी है, और पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करना चाहते, उन्होंने स्नब किया। ये पिछले हफ्ते की खबर, 3 दिन पहले की खबर। और आपने जिस तरीके से 20
26 बिलियन डॉलर उनका लूटा है, वो आपसे खुश नहीं। तो क्यों खुश होंगे भाई? जो भी आपके नजदीक आता है आप उसको लूटते हैं बेदर्दी के साथ। सर इस्लामिक कंट्रीज, सर ओआईसी और इस्लामिक कंट्रीज भी कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आ रही इस वक्त के, जिस वक्त पाकिस्तान प्रॉब्लम है और फ्लड है, इसके बजाय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस्लामिक कंट्रीज के साथ, वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप जब आपने जलजले के पैसे वो भी नहीं बख्शे, आपने डाके मारे उस पर, कोविड के पैसों से 40 अरब रुपया वजीर आजम के फंड से निकल गया, तो क्या देंगे आपको लोग, किस तरीके से देंगे? अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं जो पैसे, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं खुद पाकिस्तान पैसे भेजना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन नर्वस हूं, कंफ्यूज हूं, किसको दूं मैं? पूरी दुनिया बिल्कुल इसी तरह परेशान है। और मैं गारंटी कर देता हूं कि आपका पैसा जो भी बाहर से जाएगा, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेगा, फॉरन लंदन और दुबई चला जाएगा। लेकिन आप एक दूसरा, आप एक इबरतनाक जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि वो आप देखने नहीं चाहते उन लोगों की तरफ जो 4 करोड़ खुले आसमान के नीचे बंद दुआएं ले रहे हो। क्यों जाती है? सख्त जाती है, सोचना चाहिए इस वक्त। आप प्लीज आप खतरनाक ना बने, आप थोड़े शर्मनाक बन जाए तो आप कुछ करें उन लोगों। लेकिन सर साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ओआईसी की जो कंट्रीज हैं जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है ये हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं, और चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए भारत की या कोई भी बात कह लीजिए ऐसा, क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए बढ़, उसमें वजह यह है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई होगी, और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, और दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां उनकी आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है। आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए, ये जाएंगे। फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक संती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज। उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है, सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप बाहर के आपकी इंपोर्टेड होती है, और आपने तरक्की भी की है, पाकिस्तान में नहीं की, दुबई और यूरोप में की है, बहुत तरक्की की, पाकिस्तानियों ने लूट मार की बहुत जायदादें बनाई वहां पर, तो ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है कि उस जगह पे नहीं की आपने तरक्की जहां होनी चाहिए थी। लेकिन सर एक चीज और भी है, हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं चाहे वो डॉक्टर परवेज हूद भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई भी हो, कावस जी, आदर्श कावस जी हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना, हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों का। नहीं एग्जैक्टली, उसमें जिनको आप हीरो अपना मानते हैं वो पाकिस्तानी ही नहीं, वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे, और बजोरे तलवार आपको, हालांकि कन्वर्जन मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मजहब में, उन्होंने आप पे टैक्स लगा लगा के, आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया, और वो लुटेरे थे, लूट के हर चीज काबुल ले जाते थे, यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल, आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं, यही तो अलमिया है। मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं, वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं कसरते मैनोशी, शराब की ज्यादती की वजह से कई सबकी ज्यादती हुई, 300-300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी, इस्लामिक ये आपका टच है, ये इस्लाम बता रहे हैं आप, शराब पी हैं आप, 300-300 औरतें रखे आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं, वो आप किन हीरो की बात कर रही हैं? मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताएं, उसका नाम बताएं मुझे लोकल हीरो को, जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत, यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा, मैं उनको हीरो मानूंगा जिन्होंने अपनी कौमियत के लिए कुछ किया।
जिन्होंने अपने अपने मुल्क के लिए किया। मैं उनको नहीं मानूंगा बिल्कुल, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं वो हमारे फैसलाबाद से थे क्या लालपुर से, बहुत लीडर थे आजादी के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, गाजी अलमदीन शहीद को मैं उनको हीरो मानूंगा, मैं इनको मानूंगा जो लोकल थे जिन्होंने कुर्बानियां दी चीजों के लिए। मैं बिल्कुल फॉरेन इन्वेडर को जो आप पठानों को हीरो बना लेती है, अफगानी और टर्किश और जो के ईरानी थे वो सारे कुछ, मैं वो मुगल सारे थे वो मंगोलियन थे, वो तो यहाँ पे आपको लूटने आते थे, आपकी बच्चियां उठा के ले जाने आते थे, आप उनके आप और उनके जादू में इतने पीछे चले, आप उनको कहते हमारे हीरो, मेरा मैं उनको हीरो नहीं अपना समझता, भगत सिंह मेरा हीरो था, गाजी अलमदीन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर आप जैसे अमेरिका में रहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी कोई पाकिस्तानी ऐसे अमेरिका में पहुंच रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़े हों और वहां पे किसी बड़ी जगह पे लगे हों? जैसे इंडियंस जाते हैं कभी कहीं के सीईओज लग जाते हैं, कभी किसी कंपनी के लग जाते हैं, क्या पाकिस्तान उस जगह पहुंच पा रहा है? थोड़ा सा भी सही, लेकिन कोई आपको लग रहा है कि कुछ इस किस्म के यहाँ से भी लोग जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अगर वो होता तो आपको नजर आता, वो कांग्रेस में नजर आता, कुछ सेनेटर नजर आता, हमारे लोग वहां से भाग कर आते और वो पाकिस्तानी कलवारे में कोई फख्र महसूस नहीं करते। मैं कई लोगों को जानता हूं जहां पे यहाँ पे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन मैंने कई दफा जो चीजें थी मैंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से पूछा, ये फला फला लोग बड़े अच्छे हैं, इनके अच्छी पोजिशनिंग है, इनसे बात करें, वो कहते हैं वो तो पाकिस्तान का नाम सुन के दो फरलांग पीछे हट जाते हैं। तो वो हमारे को प्राइड नहीं है, नेशनल प्राइड कोई नहीं है, कौमियत कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी आया बेचारा लूटा फटा आया पाकिस्तान से, उसने दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं, प्राइड को नहीं देख रहा है, ये ज्यादा वो जरूरत है इस चीज को पाकिस्तानी डायस्पोरा को कि सेकंड जनरेशन के अंदर एक पाकिस्तानी प्राइड को उजागर किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका हेरिटेज क्या है, यू नीड टू हैव अ प्राइड इन इट। जब आप प्राइड होती तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ पाकिस्तानी है काफी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे, वो कहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड, सिर्फ अपने लिए वो गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अपने लिए पैसे बैंक में रख लिए, बच्चों को छोड़ के चले गए, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं। इनसे साथ साथ इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि जी मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा, आपके ख्याल से अभी भी ग्रीन पासपोर्ट देख के लोग पीछे हट जाते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो भी लुटे पुटे आते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के लोग भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यही समझते हैं कि सबसे थर्ड क्लास पासपोर्ट है, पीछे कर दो इनको। आप ये देखें ना, खास साहब ने 3.5 साल में कोई एफर्ट की पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक छोटी सी बात बताऊं, आज आप आरजू, मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूं कि आरजू कल से आप मेरी इज्जत करनी शुरू करें, आप मेरी इज्जत नहीं करती, आप क्यों करेंगे भी? इज्जत अर्न की जाती है, कमाई जाती है, मोहब्बत प्यार ये अर्न किया जाता है, ये खरीदा नहीं जा सकता। खास साहब की यही मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत के लिए आपको बिहेव करना पड़ेगा, अपनी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी कि यार इस तरीके से अच्छे करैक्टर पैदा करो, अच्छे रोल मॉडल बनो। खास साहब आप तो खुद रोल मॉडल अच्छे नहीं, आपके पीटीआई के जो बच्चे आपने ट्रेन किए हैं ये लौंडे लपाड़े, ये किस तरीके से खवातीन की बेइज्जती करते हैं, किस तरीके से ख्वाजा साहब अपने हमारे बाजवा साहब की बेइज्जती करते हैं जो उनको उनके बारे में अलका बात, किस तरीके से जजों के पीछे पड़ते हैं, ये ग्रीन पासपोर्ट की तैयारियां हो रही है इज्जत की, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन खोल रखा है आपने? यहां से तो सारी बदबू ही नजर आ रही है यार, यहां से जो आपने क्रिएट की नेक्स्ट जनरेशन, इसमें से ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत मुझे तो नजर नहीं आती। अब आप एयरपोर्टों पे आके लोगों को गालियां देंगे तो आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी आपकी? कैसी बातें आप कर रहे हैं? खान साहब तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें करते, उसमें कोई हकीकत नहीं, इसलिए क्या और ज्यादा हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं खासतौर पर ग्रीन पासपोर्ट के। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि फ्लड के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की जाएगी आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक को भी कि उनके कर्जे जो है वो माफ कर दिए जाए, आपके ख्याल से ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के स्टेटमेंट देखी है, यूनाइटेड नेशंस की मैंने देखा है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट वर्किंग फॉर पाकिस्तान फाइनेंशियल सिचुएशन, लेकिन उसमें सिर्फ अगर आप सीरियस नहीं है तो आप सीरियस नहीं है। देखें जो कर्जे माफ होंगे उसका फायदा भी आपकी रूलिंग एलीट को होगा, मजीद जो पैसे आएंगे वो भी रूलिंग एलीट पे जाएंगे। मसला ये है कि अवाम को रिलीफ किस तरह मिलेगी, जो स्लाब जदगान है उनको रिलीफ किस तरह होगी, मसला तो ये है। ये तो मैंने बताया ना, ये तो ये जो लल्ले तलल्ले आपके इस्लामाबाद से भागे नहीं जाएंगे,
वो जो जो कर्जा भी छोड़ेंगे या मजीद पैसे भी देंगे वो गरीब के पास नहीं जाएंगे। यही अलमी है, आपकी ना लीडरशिप है, ना सियासी तौर पर मुस्तकम है, ना लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट है, हालात बहुत खराब। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि अगर कर्जा माफ हो जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि इसमें मॉडिफाई किया जाएगा, इस तरह का प्रोग्राम इस पर IMF इज लुकिंग इनटू इट कि उसको मॉडिफाई किया जाए कुछ चीजों को, लेकिन कुछ कर्जा माफ भी किया जाएगा, लेकिन सारा नहीं है। लेकिन ये हाँ, ये जो आपका लंदन ग्रुप है उसके लिए अच्छी खबर है, दुबई ग्रुप के लिए, लेकिन आपके आपके लिए कोई खबर नहीं आ रही, आपको कोई रिलीफ नहीं महसूस होगी। आप समझे शायद पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आप समझे सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, आपके लिए कोई रिलीफ नहीं। आपके लिए आपने मार खानी है, आपने आप जो है आपने बिल्कुल आपके लिए कोई रिलीफ नहीं। ये रिलीफ सिर्फ जिनके जो इस वक्त बैठे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आपकी रूलिंग एलीट है, सिर्फ उनके लिए रिलीफ है। बिल्कुल आम आदमी के लिए वही परेशानी रहेगी। आम आदमी ने अभी मजीद जलील और ख्वार होना है, डेंगू से भी होना है, आपने हैजे से भी होना है, और आपने उन्हीं से वहां से अपना गुजारा आप खुद ही करना है, इधर उधर मार धाड़ के लोग और भागेंगे, जाके मजदूरियां करेंगे मिडल ईस्ट में और जाके अपना यूरोप में करेंगे। वो यहाँ पे तो मी माई सेल्फ वाली बात है, यहाँ पे जो इस्लामाबाद से आगे कुछ नहीं निकलेगा, जो चाहे IMF से जाए, चाहे यूनाइटेड नेशन से जाए, चाहे रेड क्रॉस से जाए, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेगा। आप तो खेमे भेज जाते हैं, आप जो जो आपके लिए जलजला वाले लोगों के खेमे आए थे, आपने वो नहीं बख्शते। आप तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप कौमियत पे तवज्जो दे, लेकिन काश वो कौन करता है, वो लीडर्स करते हैं, लेकिन लीडर आपके पास मौजूद नहीं है, लीडर नहीं है हमारे पास। मैं समझूंगा कि अगर IMF और यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं तो कुछ लीडर भी साथ भेज दें, कोई एक अच्छा इंसान इनको ऐसा दे दें जो अच्छा बिहेव कर सके। वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके पास लीडरशिप नहीं, वो भी कहीं से आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान में से कुछ नजर नहीं आ रहा। हर एक को अपनी सीट की पड़ी हुई है, शायद यही वजह है कि कोई पाकिस्तान को नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।